सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने अपने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे गाजा पट्टी से इजराइल तक ड्रोन के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक हमास अपने ड्रोन लॉन्च करता हुआ दिखा है। ये कामकाजी ड्रोन है जो बम से लैस होते हैं और अपने टारगेट से जाकर टकरा जाते हैं। ऐसे बहुत से ड्रोन से हमास ने हमला किया है। इजराइल का कहना है कि हमास को ये ड्रोन ईरान से मिले और अब ये उसकी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। हमास के पास ऐसे ड्रोन देखकर सब हैरान रह गए हैं क्योंकि रॉकेट अटैक के बाद अब हमास ड्रोन से भी हमले करने लगा है। इजराइल को अब ऐसे हमलों को लेकर बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसे छोटे ड्रोन आसानी से रडार पर भी नहीं नजर आते हैं और इनको मार गिराना भी काफी मुश्किल होता है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं जिसमें ड्रोन कैसे अपने टारगेट तक पहुंचता है और वहां हमला हो जाता है। ये देखिए, ये सैनिक है हमास के और जो लेकर जा रहे हैं आगे ये ड्रोन है और इन्हीं में बम बारूद है और इनको इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया गया कि जैसे अपने इलाकों में जाएंगे जो इनके टारगेट वाले इलाके हैं वहां जाकर ये हमला कर देंगे, वहां जाकर ये फट जाते हैं, वहां जाकर ये देखिए पूरा का पूरा हमला होता है। और ये ड्रोन बहुत 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 बड़ा खतरा है इसराइल के लिए क्योंकि रॉकेट से भी ज्यादा बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि ये रडार पर भी नहीं आते। तो देखिए इस वक्त इजराइल एक नहीं दो मोर्चों पर लड़ रहा है क्योंकि देखिए दक्षिणी फ्रंट पर इजराइल हमास पर कहर बनकर टूट रहा है, उत्तर के मोर्चे पर लेबनान उसका टारगेट है क्योंकि अब लेबनान भी इस युद्ध में उतर आया है। लगातार वहां से जिस तरीके से हिजबुल्ला की तरफ से अब अटैक किए जा रहे हैं तो दोनों मोर्चों पर कहीं ना कहीं इजराइल जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर इजराइल फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहा है। लेबनान के उन इलाकों में इजराइल की मिसाइलें गरज रही हैं जहां से हिजबुल्ला ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हमास और हिजबुल्ला इजराइल दोनों के साथ एक साथ लड़ रहा है, यानी कि एक तरफ यहां पर हिजबुल्ला है वो आतंकी संगठन है, दूसरी तरफ हमास है, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है इजराइल पर। लेकिन इजराइल भी यहां पर तटस्थ खड़ा हुआ है, इजराइल लगातार जो है रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल का इस जंग में जीतना बेहद जरूरी है क्योंकि इजराइल के खिलाफ जो शक्तियां खड़ी हैं अगर वो जीत जाती हैं तो फिर इजराइल का अस्तित्व ही संकट से गिर जाएगा। तो यहां पर देखिए संकट इजराइल का बढ़ रहा है लेकिन इजराइल भी लगातार वापस पलटवार कर रहा है। आज का इजराइल है लहूलुहान, लाशें उठाता, देश को सुरक्षित रखने की सारी तकनीक, सारी कोशिशें, सारे युद्धाभ्यास हवा हो चुके हैं। दक्षिण से फिलिस्तीन के हमास ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, लाशें बेच गई और अब उत्तर से लेबनान में बैठे हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब इजराइल एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। लेबनान की तरफ से मिसाइलें और मोर्टार इजरायली इलाकों में दागी गई हैं। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट दो क्षेत्र में आकर गिरी हैं। लेबनान के हिजबुल्ला के शेबा फार्म्स में एक इजरायली सैनिक चौकी पर हमले की जिम्मेदारी ली। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायल ने सीरिया से शेबा फार्म्स पर कब्जा कर लिया था लेकिन लेबनान इसे और पास के केफर चौबा पहाड़ियों को लेबनानी क्षेत्र मानता है, जबकि इजरायल ने 1981 में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। हिजबुल्ला का कहना है कि वो गाजा और विदेशों में हमास नेतृत्व के साथ सीधे संपर्क में है और दुनिया भर के अरब और मुस्लिम लोगों से हमास और फिलिस्तीनी लोगों को अपना समर्थन घोषित करने की अपील करता है।
हिजबुल्ला ने और कहा कि सशस्त्र प्रतिरोध ही इजरायली आक्रामकता से मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है। हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किया गया अल अक्सा जल प्रलय ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अरब और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक संदेश है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो इजरायल के साथ सामान्यीकरण चाहते हैं। लेबनन में हिजबुल्ला समर्थकों ने भी हमास के हमलों के बाद खुलकर जश्न मनाया। हिजबुल्ला आतंकवादियों ने हिजबुल्ला के झंडे के साथ फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए हमास के समर्थन में जमकर नारेबाजी की थी। वहां मौजूद आतंकवादी आने जाने वालों को मिठाइयां बांट रहे थे। एक आतंकी संगठन हमास के अचानक हमले से चोट खाए इजरायल ने दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला को ध्यान में रखते हुए लेबनन से लगती उत्तरी सीमा पर इजरायल रक्षा बल यानी IDF को एक्टिव करते हुए एक्शन लेने का आदेश दिया है। इजरायल के डिफेंस फोर्स ने लेबनन में तोप से गोले दागे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने IDF की जरूरतों के हिसाब से रिजर्व फोर्स के मसौदे को मंजूरी देते हुए कहा था कि हालात का मूल्यांकन करने के बाद एक्शन लिया जाएगा। हिजबुल्ला और ईरान के बीच के रिश्ते की डिटेल में ही छुपा है इजरायल के खिलाफ हमास का हमला, लिहाजा हिजबुल्ला की डिटेल आपको जरूर जाननी चाहिए। हिजबुल्ला पहले भी इजरायल को निशाना बना चुका है। लेबनन और इजरायल दोनों एक दूसरे को दुश्मन देश मानते हैं। दोनों के बीच हुए संघर्ष के बाद 2006 में एक शांति समझौता हुआ, जिसके बाद से ही शांति बनी रही। लेकिन हाल के सालों में लेबनन की तरफ से छोटे मोटे मिसाइल हमले इजरायल की ओर किए जाते रहे। इजरायल इसका जवाब भी देता रहा है। ज्यादातर हमलों के पीछे हिजबुल्ला का हाथ होता है, जो लेबनन में काफी ज्यादा एक्टिव है। पश्चिमी मुल्कों ने हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्ला संगठन एक्टिव है। बात 2006 की है, जब इजरायल ने हिजबुल्ला के खिलाफ खूनी जंग लड़ी थी। इजरायल ने इस युद्ध को सिर्फ 48 घंटों में खत्म कर देने का दावा किया था, लेकिन ये युद्ध 34 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में लेबनन में 1200 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों की लिस्ट में 160 इजरायली सैनिकों का भी नाम शामिल था। मामला ये था कि हिजबुल्ला ने इजरायल के 2 सैनिकों को उठा लिया और बदले में अपने 3 लोगों को इजरायल से छोड़ने की मांग की। लेकिन इजरायल ने प्रस्ताव खारिज ही नहीं किया, बल्कि लेबनन पर अटैक कर दिया। हिजबुल्ला की शुरुआत को समझने के लिए लेबनन के इतिहास पर एक नजर जरूरी है। इजरायल ने 1978 में लेबनन के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनी लड़ाके इस इलाके का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ हमले के लिए कर रहे थे। इस बीच 1979 में ईरान में सरकार बदली और उसने इसे मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके के रूप में देखा। ईरान ने लेबनन और इजरायल के बीच तनाव का फायदा उठाना चाहा और शिया मुसलमानों पर प्रभाव डालना शुरू किया। 1982 में लेबनन में हिजबुल्ला नाम का एक शिया संगठन बना, जिसका मतलब था अल्लाह की पार्टी। ईरान ने इसे इजरायल के खिलाफ आर्थिक मदद देना शुरू किया। जल्द ही हिजबुल्ला दूसरे शिया संगठनों से भी टक्कर लेने लगा और 3 साल में यह खुद को एक प्रतिरोधी आंदोलन के तौर पर स्थापित कर चुका था। 1985 में इसने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लेबनन से सभी पश्चिमी ताकतों को निकाल कर बाहर करने का ऐलान किया गया। धीरे धीरे हिजबुल्ला देश की राजनीति में भी सक्रिय हुआ और इसके बाद भी हिजबुल्ला के हमले जारी रहे। नतीजा हुआ कि 1967 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया और इसी राह पर चलते हुए दूसरे कई देशों ने भी हिजबुल्ला को आतंकी संगठन करा दिया। 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा, तब हिजबुल्ला ने बशर अल असद के समर्थन में अपने हजारों लड़ाके वहां भेजे। इस बीच राजनीतिक रूप से हिजबुल्ला लेबनन में और मजबूत होता गया। आज ये देश की एक अहम राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमले करने से भी अब गुरेज नहीं करता। इजरायल को हमास दक्षिण मोर्चे पर घाव देता है तो उत्तर के मोर्चे पर हिजबुल्ला इजरायल को तहस नहस करने पर तुला रहता है।
हिजबुल्ला पिछले काफी समय से इराक में ईरान द्वारा तैयार किए जा रहे जमीनी लड़ाकों को प्रशिक्षण देता रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नाखुश शियाओं को ईरान के साथ जोड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए, ये सामरिक नीति बनाने में भी हिजबुल्ला की बड़ी भूमिका है। आज हिजबुल्ला को ईरान का छद्म संगठन माने जाने की बजाय बड़े सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्ला आपसी तालमेल से अपनी तमाम शाखाओं के एकीकरण में जुटे हैं। हिजबुल्ला को ईरान की तरफ से सैन्य ट्रेनिंग, हथियार और आर्थिक मदद मिलती रही है। इसके अलावा सीरिया की असद सरकार भी उसका समर्थन करती है। दूसरी तरफ इसराइल का दोनों ही देशों से तनाव रहा है। नेतन्याहू सरकार का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करता है और असद सरकार उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराती है। इसराइल ने अनुमान जताया है कि मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट उपलब्ध है, जो एक बड़ा खतरा है। उसके पास काफी मात्रा में सैन्य उपकरण उपलब्ध हैं। संगठन में मौजूद सभी आतंकी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हैं। मतलब इसराइल की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ना बड़े से बड़े देश के लिए मुश्किल होता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस ईरान से हिजबुल्ला को खाद पानी मिलता है, वो ईरान इसराइल को तबाह करने पर क्यों तुला रहता है। '79 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरान के नेता इसराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इसराइल ने मुसलमानों की जमीन पर जबरन कब्जा करके रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते असर से भी इसराइल परेशान है। हालांकि इसराइल और ईरान में कभी जंग नहीं हुई, लेकिन ईरान उन गुटों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है जो इसराइल को निशाना बनाते रहे हैं, जैसे हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास। हालांकि दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई हुई तो ये बर्बादी की वजह बन सकती है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इसराइल की सरहदों पर भारी असलहों से लैस उसके सहयोगी। वहीं इसराइल के पास भी एक ताकतवर सेना है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार भी है। इसराइल को संयुक्त राष्ट्र का भी जबरदस्त समर्थन हासिल है। लिहाजा इसराइल के हिजबुल्ला के खिलाफ जबरदस्त हमले की सूरत में ईरान भी लबनन के पक्ष में खुलकर सामने आ सकता है और तब सीधी लड़ाई ईरान बनाम इसराइल की छिड़ सकती है, जिसका विनाशकारी होना तय है।